Next, add aspects plaguing Indian society, that is corruption, non-integrity, disrespect to women, girls, children, sense of entitlement, etc. इसको हम curb करने के लिए या इसको deal करने के लिए culture कैसा साथी देगा? हमारे यहाँ पर ऐसा कहा कि उसके 3 level हैं. एक physical level है जो हमारी body है. एक intellectual level है हमारे thoughts हैं. एक और गहरा level है जिसको हम कहते हैं कि emotions भाव. आप कई बार देखते होंगे कि intellectually व्यक्ति accept करता है लेकिन बिहेव नहीं करता है. इसलिए केवल इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग होना यह सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकता. क्यों? हमारे यहां बहुत प्रसिद्ध है महाभारत में जब कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि भाई युद्ध मत करो, समझौता कर लो, उसमें इतना रक्त बहेगा, इतना विनाश होगा. तो दुर्योधन क्या कहता है, मुझे समझाओ मत, आई अंडरस्टैंड. तो वो कहता है कि जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं आपसे अच्छा भाषण दे सकता हूं धर्म के ऊपर. लेकिन नेक्स्ट वाक्य कहता है नचमे प्रवृत्ति, मेरी उसमें रुचि नहीं है. और दूसरा कहता है कि जानामि अधर्मम, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन नचमे निवृत्ति मैं उसको छोड़ नहीं पाता. तो आपने जो कहा है उसके अंदर इस बैड एलिमेंट को कैसे निकालें, दुर्भाग्य से हम केवल इंटेलेक्ट और इसी के ऊपर व्यवहार कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी कनेक्ट कर सकती है, टेक्नोलॉजी रिलेट नहीं कर सकती. एक आदमी फेसबुक के ऊपर 5000 लोगों से संपर्क रखता है लेकिन नेबर को नहीं जानता है. तो ये जो रिलेशन का संबंध है, भाव का संबंध है, इसको चेंज करना है. तो हमारे यहां बहुत पहले से कहा गया कि बचपन से ही उसके हृदय के अंदर, भाव के अंदर हमें एक संस्कार विकसित करना पड़ेंगे. पराए स्त्री को मां समझना, पराए धन के बारे में क्या दृष्टि रखना, पड़ोसी के बारे में क्या दृष्टि रखना. और इसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है. जब टाइनवी और इकेजा के बीच में एक चर्चा हुई और टाइनवी ने जब ये कहा कि आज की जो विश्व की सारी समस्या है ये मनुष्य के अंदर ये जो बैड एलिमेंट्स हैं जिसके कारण वो करप्शन है, जिसके कारण से और रेप है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इससे मुक्ति का क्या उपाय. टाइनर ने भी यही कहा कि चाइल्डहुड से धर्म के गहरे हृदय पर संस्कार किए बिना इसका कोई इलाज नहीं है. तो उसने पूछा कि भविष्य क्या होगा. तो टाइनर ने कहा या तो मानव जाति समय रहते अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर देगी, अन्यथा विनाश होगा. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में और डे टू डे हमारी फैमिली लाइफ में, हमारे यहाँ पहले और माता पिता जो हैं वो बच्चे के ऊपर ध्यान देते थे, क्या करना क्या नहीं करना, अच्छी दिशा देना. आजकल हम कांटेक्ट दे देते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में कर दें वो मनुष्य बना देंगे. मुझे लगता है कि यह जो बेसिक उसके विचारों के साथ साथ उसके हृदय को, जिसको एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट कहते हैं, इसकी दृष्टि से मुझे लगता है फैमिली लेवल पर हमारे स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे चलते फिरते मॉडल्स, इसकी दिशा के अंदर अगर सारा समाज विचार करता है तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय के अंदर समाज के नैतिक उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं.